नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। जब पुर्तगाल शांतिपूर्वक गोवा नहीं छोड़ रहा था, तब भारत ने अंततः बलपूर्वक गोवा को आजाद करने का फैसला किया। अगर आपने भारत के शांतिपूर्वक गोवा के आंदोलन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जरूर जाकर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भारत ऑपरेशन विजय शुरू करने का फैसला करता है, तब लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ऑफ इंडियन आर्मी सदर्न कमांड 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन, जिसकी कमान मेजर केपी कंधे और 50वीं पैराशूट ब्रिगेड, जिसकी कमान ब्रिगेडियर सगत सिंह के हाथ में थी, इनको तैयार करते हैं। दमन द्वीप पर हमले की जिम्मेदारी मराठा लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन को दी जाती है, जबकि दीव पर हमला करने की कमान राजपूत रेजिमेंट तथा मद्रास रेजिमेंट को दी जाती है। हवाई हमले की कमान कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन वेस्टर्न एयर कमांड एयर वाइस मार्शल एरिक पिंटो को दी जाती है, जिसका उद्देश्य गोवा पर हमला कर उसकी एयरपोर्ट को तबाह करना तथा नीचे भारतीय सेना को मदद पहुंचाना था। इंडियन नेवी भी अपने जंगी जहाज आईएनएस राजपूत आईएनएस कृपान को गोवा में डिप्लॉय कर देती है, परंतु वास्तविक जमीनी हमले के लिए 5 जंगी जहाजों का बेड़ा, जिसमें आईएनएस मैसूर, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस बेतवा, आईएनएस 20 तथा आईएनएस कावेरी को तैयार किया जाता है, तथा किसी बड़े हमले को रोकने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भी भेजा जाता है। नेवी अपने माइन स्वीपर जहाजों को भी मोर्चे पर लगा देती है। वहीं अगर नजर डाले पुर्तगाली सेना के ऊपर, तो पुर्तगाल के पास 7,000 थल सैनिक, 250 नेवी के सोल्जर और कुछ एयरफोर्स के सैनिक थे। यह जानकर पुर्तगाल के रक्षा मंत्री मोनीज अपने राष्ट्रपति सालजार को सलाह देते हैं कि हम भारतीय सेना के आगे नहीं टिक पाएंगे, अगर हम युद्ध लड़ते हैं तो यह एक सुसाइड मिशन होगा। सालजार अपने रक्षा मंत्री की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने सैनिकों को आखिरी दम तक युद्ध लड़ने के संदेश भेजता है, जियो या मरो। पुर्तगाल अपने सभी नागरिकों को गोवा से बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब इंडियन नेवी तथा एयरफोर्स दुश्मन के ठिकानों की थाह लेना शुरू कर देती है। 17 दिसंबर 1961 को 9:45 पर इंडियन ट्रूप्स मलिगियम टाउन पर हमला करते हैं तथा वहां अपना कब्जा जमा लेते हैं। 18 दिसंबर को 2 बजे इंडियन आर्मी पुर्तगाल की ईआरएस टुकड़ी, जो कि डोरो मगोगो पर पुर्तगाली पुलिस के बचाव में आती है, उस पर हमला कर देती है। 4:30 पर पुर्तगाली सेना बिकोलिम और चपारो के पुलों को उड़ा देती है ताकि इंडियन आर्मी को रोका जा सके। इसके बाद भारत की सेकेंड पैरा मराठा ट्रूप्स फर्स्ट पैरा पंजाब पोंडा तथा बनास्तारी पर उतरकर पंजिम की तरफ बढ़ती है। सेकेंड सिख लाइफ इन्फेंट्री 6:30 पर तिवीम की तरफ बढ़ती है। अब भारतीय सेना पुर्तगाली सेना को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। अब पुर्तगाली सेना रिट्रीट करते हुए पणजी जाने वाले पुल के साथ सड़कों को भी तबाह करती हुई जाती है। 18 दिसंबर 5:45 पर भारतीय टैंक पंजिम की सीमा तक घुस जाते हैं तथा 9 बजे तक सिख लाइक इन्फेंट्री भी पहुंच जाती है। इसके पहले 10 बजे पुर्तगाली सेना का कमांडर भारत के मेजर शिवदेव सिंह संधु को सीज फायर का मैसेज भेजता है। मेजर संधु अपनी 7वीं कैवलरी के साथ अगोड़ा के किले पर कब्जा करने जाते हैं, जहां भारतीय समर्थकों को बंदी बनाकर रखा जाता है, परंतु वहां मौजूद पुर्तगाली सैनिकों को सीज फायर का मैसेज नहीं पता होता और वो गोली चला देते हैं, जिसमें मेजर संधु और कैप्टन विनोद सहगल मारे जाते हैं। 19 दिसंबर को मेजर सगत सिंह पंजिम पहुंच जाते हैं तथा अगोड़ो के किले पर हमला कर देते हैं। अब धीरे धीरे भारतीय सेना पूरे पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र पर कब्जा कर जाती है। 19 दिसंबर को 3:30 पर वरना गांव में 500 पुर्तगाली सेना सरेंडर कर देती है। 4th राजपूत कंपनी मार्गों को जीत लेती है। भारत के हवाई आक्रमण की बात करें तो विंग कमांडर एनबी मेमन के नेतृत्व में 18 दिसंबर को 12 कैनबेरा लड़ाकू विमानों से डाबोलिम के एयरपोर्ट पर 63,000 पाउंड एक्सप्लोसिव गिराकर नष्ट कर दिया जाता है। दूसरे हमले में विंग कमांडर सुरेंद्र सिंह 8 कैनबेरा लड़ाकू विमानों से हमला करते हैं। तीसरे हमले में 6 हंटर विमानों से पुर्तगालियों के वायरलेस स्टेशन को उड़ा दिया जाता है। भारतीय नेवी के आईएनएस मैसूर और आईएनएस त्रिशूल को अंजी दीव द्वीप को जीतने भेजा जाता है। यहाँ पर पुर्तगाली भारी गोलाबारी करते हैं, जिसमें 7 इंडियन मरीन मारे जाते हैं तथा 19 घायल हो जाते हैं, परंतु भारतीय शिप्स की
भारी गोलाबारी के कारण 19 दिसंबर को पुर्तगाली सैनिक सरेंडर कर देते हैं, परंतु कुछ पुर्तगाली अधिकारी वहां चट्टानों के बीच में छिप जाते हैं, जिनमें से एक हथगोला फेंक कर भारतीय सैनिकों को जख्मी कर देता है। इनमें से एक तो तैरकर भारतीय तट तक आ जाता है, जिसे 22 दिसंबर को पकड़ लिया जाता है। एक और मोर्चे मारमुगाओ हार्बर पर पुर्तगाल का बड़ा जहाज एनआरपी अफोंसो होता है, जिस पर आईएनएस बेतवा हमला कर देता है, जिससे पुर्तगाली जहाज को बड़ा नुकसान होता है। उसके कई बड़े अधिकारी मारे जाते हैं, जिसके कारण वह आत्मसमर्पण के लिए सफेद झंडा लहरा देते हैं, परंतु वह झंडा मुड़ा हुआ होता है, जिसे भारतीय सैनिक देख नहीं पाते। परिणाम स्वरूप युद्ध जारी रहता है। इसके बाद पुर्तगाली शिप अपने जहाज में आग लगाकर वहां से किनारे की तरफ भाग जाते हैं तथा 19 दिसंबर 1961 को सरेंडर कर देते हैं 10:30 बजे। दमन को जीतने के लिए फर्स्ट मराठा लाइट इन्फेंट्री को भेजा जाता है, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल भोसले के हाथ में थी, जिसे नेवी की तरफ से भी सपोर्ट था। 19 दिसंबर को 11 बजे पुर्तगाली आत्मसमर्पण कर देते हैं। दीव को 20वीं राजपूत बटालियन तथा 4थी मद्रास बटालियन मिलकर पुर्तगालियों से मुक्त करा लेती है, जिसमें भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का भी बड़ा योगदान होता है। दीव को जीतने के लिए आईएनएस दिल्ली समुद्र से हमला कर रहा था। अब युद्ध विराम के लिए पुर्तगाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है। वहां पर सोवियत यूनियन, सिलोन, लाइबेरिया तथा यूएई भारत के पक्ष में तथा युद्ध विराम के खिलाफ वोट देते हैं, तथा यूएस, यूके, फ्रांस, तुर्की, चिली, इक्वेडोर तथा एक देश नेशनलिस्ट चाइना भारत के खिलाफ तथा सीज फायर के पक्ष में वोट देते हैं, जिस पर सोवियत यूनियन वीटो कर देता है। पुर्तगाल अपने को हारता देख स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी लागू कर देता है, जिसका मतलब गोवा को भारतीयों को सौंपने से पहले पूरी तरह तबाह कर दो। 19 दिसंबर को 11:30 बजे ऑफिशियल गवर्नर जनरल सिल्वा पूरी पुर्तगाली आर्मी का सरेंडर कर देते हैं और गोवा में मारे गए पुर्तगालियों के बलिदान को एक यूजलेस सेक्रीफाइस करार देते हैं। 36 घंटों के इस युद्ध ने पुर्तगाल के घमंड को तोड़ दिया, जिसके बाद 1974 में पुर्तगाल में डिक्टेटरशिप सालजार का भी अंत होता है। उसके बाद ही भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बन पाए। 1992 में पुर्तगाल के प्रेसिडेंट मारियो सुआरेज पहले राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। तो दोस्तों, यह थी भारतीय सेना की अदम्य वीरता की दास्तां। आशा करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए मालवा डायरी को सब्सक्राइब करें तथा आपके सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें।